रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी टू फैमिली के तमाम अहले ख़ानदान को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम, और मेरे चाहने वालों को, मेरे प्यार करने वालों को बहुत ज़्यादा दुआएं, ढेरों दुआएं, और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और बहुत मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। माशाल्लाह से मौसम बहुत 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 ज़्यादा प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और आसमान पर घेरे बादल हैं। मैं बस यही दुआ करते हैं इसी तरह घेरे बादल रहे और धूप ना निकले, छाए रहे, ठंडी ठंडी हवा चलती रहे। तो माशाल्लाह से आप मेरा फूल देख सकते हैं, मेरे गमले का फूल कितना खूबसूरत, माशाल्लाह क्या मेरे अल्लाह की जान है। ठीक है, और यकीन करें ये महीना दो महीने तक इसी तरह रहेगा, जैसे आर्टिफिशियल फूल नहीं होते और वो जैसे चिल्ड्रन फूल जैसे नहीं कर रहे हैं, बारिश का पानी गिरता ना और प्यारे हो रहे हैं। आप गेट को देख सकते हैं कहाँ सो रही है, ठीक है, ठंडी जगह, इसको पता ही पौधों के पास, गमलों के पास पानी गिरा हुआ है, मिट्टी है, ठंडी जगह है। ये देखो जानवर है, बेजुबान है, लेकिन फिर भी ना इसको सारी समझ है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जान के भी बातों को नहीं समझते। खैर छोड़ें, ये देखिए मेरा एलोवेरा और ये मेरा कड़ी पत्ता, माशाल्लाह से दिन ब दिन इसके फूल निकलते जा रहे हैं और पत्ते निकलते जा रहे हैं, और मेरी मिर्ची भी बड़ी हो रही है। तो माशाल्लाह मौसम बहुत हसीन हो रहा है, और कल शाम को जैसे कि आपने देखा, देखेंगे लोग तो आपको पता चलेगा कि अंबर और इकरा ने छत पर बारिश हो रही थी, खूब खूब इंजॉय किया उन दोनों ने। दरअसल मैं ना उस वक्त घर का सारा काम करके फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के नीचे लेट अपने कमरे में आराम कर रही थी, रमशा भी मेरे पास ही थी, हम दोनों बैठ गए ना, बस बातें कर रहे थे लेट कर और आराम भी कर रहे थे, तो इसलिए भी हम छत पे नहीं आ सके। हालांकि बाहर में बार बार गैलरी में आके इन्जॉय कर रही थी, देख रही थी, तो वो दोनों की आवाज़ें आ रही थी, माशाल्लाह उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो देखेंगे बारिश आएगी तो इंशाल्लाह तो हम भी नहाएंगे, बारिश में नहाना अच्छा होता है कहते हैं, बारिश का पानी पीना भी अच्छा होता है सेहत के लिए, बीमारियां और तकलीफें दूर होती हैं, नहाना भी अच्छा होता है। तो इस वक्त मैं करने लगी अपना काम शुरू किचन का, जैसे कि रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक रोज़ाना के काम होते हैं, सुबह दोपहर शाम रात वही काम होते हैं हमारे। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है, टाइम गुजर रहा है, शुक्र है मेरे मालिक का बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो अब कर लेते हैं अपना काम शुरू किचन का, चलें फिर चलते हैं, पहले कूलर में पानी डाल लेते हैं, बर्फ़ डाल लेते हैं, फिर धोते हैं बर्तन। तो अल्लाह करे इन फूलों की तरह हमेशा खिलते रहें आप, खुशबू खूबसूरत फूलों की तरह हमेशा फूलों में रहें, गुलजारों में रहें, बड़े छोटे सब, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या फूल है। चलें फिर चलते हैं बर्तन वगैरह धोते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक बाउल मैंने बर्फ पर डाल दिया है पानी और बर्फ़, और अब दूसरा ये देसी में है, इसको भी तोड़ के डाल देते हैं।
देख सकते हैं माशाल्लाह से किचन मैंने अपना कर लिया साफ सुथरा साफ शफाफ, स्लिप भी साफ कर लिया और तवा भी साफ कर लिया, चूल्हा भी साफ कर लिया मैंने, और ये चाय की देसी रख दी जब बनाऊंगे नाश्ता, और ये है बर्तन धो चुकी हूँ मैं अपने, और ये देख सकते हैं आप बेसन वगैरह भी धो दिया मैंने। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहाँ पर एंड। अरे शर्म कर यार, यहाँ पर करती हूँ अपने वीडियो का एंड। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए काम के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पड़ा हुआ मरिंडा और मेरा मक्का, तो फिर हम ये पी लेते हैं, क्यों मक्का हाथ से जाने दें, क्योंकि ये है मेरी पसंदीदा बोतल। तो चले फिर पीते हैं इसको, बोलते हैं पी लेते हैं इसमें लाल माने रहे। जिसको मरिंडा पसंद है वो आए और मेरे साथ बैठ के मरिंडा पिए, ठीक है। चलिए इसको रख देते हैं फ्रिज में, तो चले फिर चले फिर चलते हैं कमरे में।